हेलो एवरीवन, हुण असीं कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर दा जो साडा टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी, जिहदे विच आपां अपने टॉपिक स्टार्ट कीते होए ने माइक्रो लैसन नूं लै के कि जिहड़ी व्यापक पाठ योजना उहदे विच असीं जिहड़ी किसी भी टॉपिक नूं पढ़ाउण लई जिहड़ी योजना उह किवें बना सकदे हां। जिवें आपां पिछले तीन लैक्चर विच आपां ऑलरेडी कविता बारे कर चुके हां, व्याकरण बारे कर चुके हां और एक निबंध बारे कर चुके हां, तो अज जिहड़ा अपना अज का लैक्चर है उहदे विच आपां करांगे गलत पाठ योजना कि जिहड़ा टीचिंग ऑफ प्रोज है जां एक प्रोज है उहदी टीचिंग करन लई असीं जिहड़ा लैसन प्लान आ उह असीं किवें बना सकदे हां। जिवें आपां बाकी उहदे विच कर रहे हां उह करदे आउंदे आ रहे हां, बाकी जिहड़े आपां लैसन प्लान कीते आ कि जिवें उद्देश हुंदे ने जिहड़े सधारण उद्देश हुंदे ने सारिआं दे सारे विच ही जिहड़ी सामग्री यूज करनी उह सामग्री दा आपां वेरवा लिखणा हुंदा गा, फिर उस तो बाद आपां उहदे विशेष उद्देश दी गल करदे हां जिहड़े स्पैसिफिक एम्स हुंदे ने। तां आपां स्टार्ट करदे हां, सब तो पहला आपां सहायक सामग्री दी गल करदे हां। जिहड़ी सहायक सामग्री हुंदी आ आपां नूं टीचिंग दे समें ते जिहड़ी वी सहायक सामग्री दी जरूरत पैंदी आ उह सहायक सामग्री किहड़ी किहड़ी हो सकदी है उहदे विच आपां सब तों पहलां गल करांगे कि जदों आपां क्लास रूम विच आपां पढ़ाउण जाणा तां सब तों पहलां की आ सधारण जमात दा इक कमरा होणा चाहीदा गा, जमात दा कमरा। उस तों बाद आपां गल करदे हां ब्लैक बोर्ड दी, ब्लैक बोर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि असीं जिहड़ा अपना कोई भी टॉपिक है कोई भी पढ़ा रहे हैं उत्थे तां विचों दे विच ब्लैक बोर्ड की जिहड़ी वरतों आ उह करनी पैंदी आ, उह चाहे औखे शब्दां दे अर्थ लिखणे होण चाहे कोई होर मेन मेन गल्लां ने जिहड़ियां उह दसणियां होण। फिर आपां अगे गल करदे हां चाक दी, अगे आपां गल करदे हां झाड़न दी ते नाल दी नाल संकेतक दी। इह तां हो गईआं आपणीआं सधारण सामग्रियां जिहड़ी हर एक पाठ योजना विच काम आउंदियां ने। फिर आपां गल करदे हां कि जिहड़ी भी आपां टॉपिक करवा रहे हां, जिहड़ा कोई भी आपां टॉपिक करवा रहे हां उस टॉपिक दे नाल संबंधित जिहड़ा चार्ट है जां फिर फ्लैश कार्ड हुंदे ने तां विषय दे नाल संबंधित, जां फिर आपां इह कह सकदे हां कि जिहड़ा गलत पाठ है उहदे नाल संबंधित पाठ जां फिर विषय नाल संबंधित चार्ट या फ्लैश कार्ड जिहदी सहायता नाल असीं जिहड़ा भी टॉपिक करवाउणा जिहड़ा भी विशा वस्तु करवाउणा उह चंगी तरह आपां अगे उहनूं समझा सकीए। तां अगे आपां गल करदे हां, इह तां सीधा अपना जिहड़ा सहायक सामग्री संबंधी जिहड़ियां चीज़ां सानूं दी जरूरत पैंदी है। अगे आपां गल करदे हां उद्देशां दी, उद्देशां दे इक इहदे विच आउंदे ने सधारण उद्देश, सुधारण उद्देश साडे जिहड़ा भी लैसन प्लान असीं बना रहे हां उहदे सुधारण उद्देश की होने चाहीदे ने। देखो सारे ही जिहड़े लैसन प्लान ने चाहे उह कविता नूं लैके होण चाहे उह ग्रामर नूं लैके होण तां सारिआं दे जिहड़े सुधारण उद्देश हुंदे ने उह इक कॉमन हुंदे ने। सब तों पहलां इहदे विच जिहड़ा उद्देश आउंदा गा कॉमन हुंदा उह की हुंदा गा शब्द भंडार विच वाधा करना, बच्चिआं दे शब्द भंडार विच वाधा करना यह साडा उद्देश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि असीं बच्चों के शब्द उद्देश विच वाधा कर सकीए, बच्चों ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी शब्दावली असीं सिखा सकीए। उदों अगे आपां गल करदे उन्हां दी मानसिक तार्किक ते बौद्धिक जिहड़ियां शक्तियां ने उन्हां दा विकास करना, तार्किक बौद्धिक अते मानसिक शक्तियां दा विकास करना। बच्चों नूं तर्क करना सिखाउणा उहनां दी बौद्धिक शक्ति ते उहनां दी जिहड़ी मानसिक शक्ति उहनां दा विकास करना। अगे आपां गल करदे हां उहनां नूं जिहड़ा शुद्ध उच्चारण दा ज्ञान देना, शुद्ध उच्चारण जिहदे विच उह सही तरीके नाल शब्दां नूं शुद्ध ते स्पष्ट रूप नाल बोल सकण, अगे उहदा वाचन कर सकण, पढ़ सकण ते उहनूं लिख सकण, शुद्ध उच्चारण वाचन अते शुद्ध लिखत दी जानकारी देना, शुद्ध लिखत दी जानकारी प्रदान करना जां जानकारी देना, इह साडे जिहड़े
कुछ सुधारण आदेश उद्देश होंगे ने। अगे आप होर उद्देश की गल करिए तो है बच्चों में जो आलोचनात्मक प्रवृत्तियां होंगे उन्होंने विकसित करना, बच्चों आलोचनात्मक नात्मक प्रवृत्तियां विकसित करने सहायक। क्योंकि जदों तक बच्चों आलोचनात्मक प्रवृत्तियां नहीं आउंदियां, जदों तक कि बच्चा किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं कर सकता, किसी विचार का उन्हें जदों तक वो एनालाइज नहीं करेगा तो उसकी की है जिहड़ी जानकारी है वह उन्नी नहीं वधदी जिन्नी वधनी चाहिए है। जिहड़ा आपां बौद्धिक विकास ते मानसिक विकास की गल की वह जिहड़ी आलोचनात्मक प्रवृत्तियां जिन्नियां ज़्यादा विकसित होंदियां ने उन्ना ही ज़्यादा बच्चों का जिहड़ा बौद्धिक अते जिहड़ा मानसिक विकास वह हुंदा गा। तो फिर अगर आप गल करते विशेष उद्देश की कि साडे जिहड़े पाठ योजना बनाउण दे विशेष उद्देश ने वह किहड़े किहड़े हो सकते हैं। हुण इत्थे विशेष उद्देश किहड़े हो सकते हैं, विशेष उद्देश तो मतलब है कि असीं जिस भी विषय वस्तु उत्ते जिस भी असीं टॉपिक उत्ते बच्चों अज गल करनी है, बच्चों जिहड़ा भी टॉपिक पढ़ाउणा है असीं उस विषय नाल रिगार्डिंग जिहड़ी पाठ योजना वो बनाई है तो असीं उस ही जिहड़े विषय वस्तु उहदी जिहड़ी पूरी जानकारी है वह बच्चों को प्रोवाइड करना साडे विशेष उद्देशों विच आ जांदा गा। विद्यार्थी नूं लेख विच आए विचारां बारे जाणू करवाउणा, विशेष उद्देश की है बच्चों को पाठ विच जिहड़े पाठ की जिहड़ी भी जानकारी है जिस भी टॉपिक बारे असीं पढ़ रहे हाँ उहदे विच जिहड़े भी विचार आए ने उन्हां बारे जान पहचान करवाउणा, बच्चों को पाठ विच आए विचारां नाल जाणू करवाउणा जा फिर विचारां नाल बच्चों की पाठ विच आए विचारां नाल जिहड़ी जान पहचान करवाउणा जिहड़ा कि साडा एक विशेष उद्देश हन हुंदा हन। विशेष उद्देश करवाउण तो बाद जिहड़ा साडा कंप्लीट असीं करदे कि असीं इह वाला उद्देश पूरा करवाउणा, फिर उस तो बाद गल आउंदी आ कि असीं वो उद्देश जिहड़ा पूरा करना उस तो पहलां असीं उहदा जिहड़ा प्रीवियस नॉलेज आ उह चैक कर लईए ता सानू पता लग सके कि बच्चों को जोड़े उस टॉपिक बारे कि जी पहल जानकारी हैगी कि जोड़ा बच्चे उस पाठ बारे या फिर उस टॉपिक बारे वो पहलों तो जानते। आप इतने गल करा प्रीवियस नॉलेज की पूर्व ज्ञान प्रीख्या की, पूर्व ज्ञान प्रीख्या। तो अज का जिहड़ा आपां गद पाठ योजना गा आपां दूरदर्शन नूं लैके पाठ की जिहड़ी योजना वो बना रहे हैं जो उस योजना बारे गल कर रहे हैं कि दूरदर्शन अगर बच्चों नूं दूरदर्शन का टॉपिक करवाना है तो असीं बच्चों नूं जिहड़ी पढ़ाउण जाण तों पहलां किहो जिही जिहड़ी योजना उस बारे बना सकते हैं तो उहदे बारे पहलां आपां गल करदे हां। उहदी प्रीवियस नॉलेज टैसट करन वास्ते जिहड़ी पीके टैसट है उह चैक करन वास्ते आपां बच्चों तों कुछ जिहड़े क्वेश्चन ने उह पुछ सकदे हां जिहदे नाल कि सानूं बच्चों की जिहड़ी प्रीवियस नॉलेज है जिहड़ा उन्हां नूं दूरदर्शन के बारे ऑलरेडी पता है सानूं उन्हां बारे जानकारी हो सके तां कि इह गल नूं पता कर सकीए कि सानूं जिहड़ी बच्चों नूं इनफॉर्मेशन देनी है जिहड़ा पाठ पढ़ाउणा तो उहदी जिहड़ी जानकारी उह कित्थों स्टार्ट करिए। अगर बच्चों को थोड़ी घनी जानकारी पहला हैगी आ तो उस जानकारी को आधार बना के असीं बच्चों को जिहड़ी नवी जानकारी वो दे सकते हैं। अगर बच्चों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हैगी तो सानूं फिर बच्चों को स्टार्टिंग तो दसना पवेगा दूरदर्शन की हुंदा है किवें साडे लिए हेल्पफुल है, दूरदर्शन राही असीं की कुछ देख सकते हाँ किहड़ियां जानकारियां प्राप्त कर सकते हाँ। तो इस प्रकार प्रीवियस नॉलेज चैक करने लिए जां पूर्व ज्ञान प्रीख्या लिए असीं बच्चों तो थोड़े जे क्वेश्चन पुछ सकते हाँ। वह क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं जिवें कि बच्चों असीं अपने स्नेह ते खबरां दूसरों तक किवें पहुँचाउंदे हाँ, बच्चों असीं अपने स्नेह ते अते खबरां दूजियां तक किवें पहुंचाउंदे हां, किवें पहुंचाउंदे हां।
मतलब कि जदों असीं किसी नूं कोई गल दसनी होवे जां फिर असीं किसी दी जानकारी जिहड़ी किसी टॉपिक बारे लैणी होवे तां सानूं उह कित्थों मिल जांदी है, तां उहदा जिहड़ा सब तों वधिया साधन है खबरां लैण दा और खबरां जिहड़ियां दूसरां तक पहुंचाउण दा उह किहड़ा हैगा। अगे आपां गल करदे हां सैकंड क्वेश्चन दी, होर किवें दा क्वेश्चन पुछा जा सकदा है। जिहड़ा दूसरा क्वेश्चन पुछा जा सकदा है कि सुनेहे पहुंचाउण दे साधनां नूं की कहा जांदा है, सुनेहे या खबरां पहुंचाउण दे साधनां नूं की कहा जांदा है। की कहा जांदा है कि जिस साधन राहीं असीं दूसरे तक खबरां पहुंचाउंदे हां उह उसनूं की कहा जांदा है। अगे आपां गल करदे हां, अगर बच्चों ने दस दिता जाए कि संचार के साधना राही या दूरदर्शन राही, तो अगर जो क्वेश्चन है नैक्सट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों तो कि संचार के साधना के ना दसो। आप इतने गल कर सकते हैं कि कुछ संचार के साधना के नाम दसो कि केड़े-केड़े ऐसे साधन ने जिस राही असीं जिहड़े आपणे सुनेहे ने जां खबरां ने उह दूजिआं तक पहुंचा सकदे हां। जां फिर इहदा होर क्वेश्चन की हो सकदा है कि रेडियो ते दूरदर्शन दीआं खबरां दा की मुख अंतर है। दूरदर्शन ते आपां गल कर सकदे हां जां फिर रेडियो ते टैलीविजन दीआं खबरां ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਦਾ। ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 39 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਦੀ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਕਰੋ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਗੀ 35
ਵੀ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੱਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਲੈਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5th ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 13/2/2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਲੈਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਸਨ ਪਲੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਾਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਾਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
सुनेहे या खबर दूजियां तक पहुंचाउंदे हां ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਮਤਲਬ अध्यापक द्वारा जरा आदर्शन आदर्श वाचन किया जाऊगा अध्यापक द्वारा जरा पाठ है बच्चों पढ़ के सुनाया जाऊगा तो इतने अध्यापक जी क्रिया अध्यापक की की क्रिया होगी अध्यापक इन गद पैर का शुद्ध उच्चारण अध्यापक द्वारा गद पैर की शुद्ध उच्चारण उच्चारण स्पष्ट अते उच्ची आवाज विच कीता जावेगा शुद्ध उच्चारण स्पष्ट अते उच्ची आवाज विच कीता ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਦੀ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन लई कहा जाएगा फिर विद्यार्थी क्रियावां की होणगीआं विद्यार्थी आपो अपनी वारी ते की है अनुकरण वाचन करनगे अनुकरण वाचन करनगे जिस भी विद्यार्थी नूं उत्थे अध्यापक द्वारा बुलाया जाएगा ते अपना विद्यार्थी की उत्थे अनुकरण जिहड़ा वाचन है उह करनगे अनुकरण वाचन करन तो बाद इत्थे गल आउंदी अगे औखे शब्दां दे जिहड़े अर्थ होवे दस्से जाणगे जां फिर कुछ क्वेश्चन है जिहड़े उह अध्यापक द्वारा पूछे जा सकते ने एग्जाम्पल दे तौर ते आपां गल कह सकते हैं इत्थे कि जिहड़ा दूरदर्शन है उह की हुंदा है जां फिर आपां कह सकते हां कि असीं अपने खबरां ते सुनेहे जिहड़े दूसरे तक किवें पहुंचा सकते हां असीं अपने सुनेहे अते खबरां ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ
ने नाल नाल जिहड़ा ब्लैक बोर्ड का वरतों आ ब्लैक बोर्ड का जिहड़ा यूज वह करी जाना गा। फिर उस तो बाद गल आउंदी है जिवें तां कुछ क्वेश्चन हो गए तो फिर एक ऐसे तरीके नाल जिहड़ा मीनिंग है कई जिहड़े औखे शब्दां दे अर्थ ने वह भी अध्यापक द्वारा जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखे जा सकते हैं। जिवें अगे विशे वस्तु आउंदा गा कि अध्यापक द्वारा टैलीविजन दे रिगार्डिंग इत्थे विशे वस्तु आ गया कि टैलीविजन नूं असीं छोटे रूप विच टीवी भी टीवी दे नाम नाल जाणिया जांदा है जां फिर टीवी और रेडियो बारे इत्थे कुछ इनफॉर्मेशन दित्ती हुई है विशे वस्तु तां कि टीचर राहीं टीचर द्वारा जिहड़ा क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है कि जिवें टैलीविजन का छोटा नाम की है। टैलीविजन दा छोटा नाम की है। विद्यार्थियों तो इदां दे जिहड़े क्वेश्चन है वो किते जा सकते हैं ते विद्यार्थी जिहड़े ओह एक दूसरे वल देखते हैं जां फिर एक दूसरे नाल विचार वटांदरा हौली हौली करते हैं और एक एक विद्यार्थी जिवें कहिंदा कि टीवी टीवी हर एक विद्यार्थी अपना जिहड़ा आंसर करनगे कई विद्यार्थी बोलणगे और कई विद्यार्थी सिर्फ अपने सोच ही लैणगे कि टीवी है तां जिवें विद्यार्थियों द्वारा बोलिया जाऊगा कि उहनूं टीवी कहा जाता है तां अध्यापक नाल दी नाल ब्लैकबोर्ड दा जिहड़ी वरतों उत्थे उह कीती जा सकदी है अध्यापक द्वारा कि जिहड़ा टैलीविजन दा छोटा रुख है जां छोटा नाम है उहनूं टीवी कह सकदे हां। इस प्रकार जिहड़ा अपनी टैक्सट बुक विच जिहड़ा फिर अपनी बुक विच जो भी विशा वस्तु है दूरदर्शन नूं लै के स्टार्टिंग तो लैके एंड तक तो आप पार्ट यूज ना कि अध्यापक द्वारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे जा जेडे शब्द ने औखे शब्द ने उन्होंने जी एक्सप्लेनेशन आप ब्लैकबोर्ड के राही लिख के बच्चों दस सकते हैं जिसकी सहायता न कि बच्चों जोड़िया चीज़ा ने वो जल्दी समझ आनियाँ जा फिर आप जो आप दूरदर्शन की गल जो आप टीवी या रेडियो की गल कर सकते हैं कर रहे हैं तो अध्यापक द्वारा जो फ्लैश कार्ड या फिर चार्ट ने अपने टीवी या फिर रेडियो में लैके या दूरदर्शन के अपने कोई होर भी पिक्चर्स ने वो पिक्चर्स दिखा के बच्चों ज़्यादा चंगे तरीके एक्सप्लेन किया जा सकता है। जदों अध्यापक द्वारा अपने अध्यापन विच चार्ट का या फिर फ्लैश कार्ड का या फिर होर भी जी सहायक सामग्री है वह वरतों की जाती है तो वह मकसद होंगे कि विद्यार्थियों को आप ज़्यादा चंगी तरीके ज़्यादा आप डूंघाई कह सकते हैं कि उन्होंने जोड़े मतलब ने जो आप विशा वस्तु समझा चाहते हैं वो विशा वस्तु विद्यार्थियों समझा सकी। यही अपना जोड़ा व्यापक पाठ योजना वो एक गद ले कि आप एक जी पाठ है उन्होंने आप बच्चों समझा सकते हैं ज क्लास में जाने तो पहला सानू जी पाठ योजना वो बना के लैके जानी चाहिए है कि असं विद्यार्थियों जो भी पाठ अब समझा है ज फिर जिस भी विषय वस्तु से आप बच्चों विचार वटांदरा करनी है गलबात करनी है तो एटलीस्ट सानू पता होना चाहिए कि असं उन्होंने कितों शुरू करना है किवें शुरू उस चीज़ को करना केड़िया जिहड़ियां सहायक सामग्रियां नूं असीं वरतों विच लिया सकते हाँ तो असीं जिहड़ा समय रहिंदे पूरे मिथे हुए समय से जिहड़ा अपना एक टीचा है जिहड़ा आपां एक पाठ कंप्लीट कराउण दा जिहड़ा टीचा सी उहनूं मिथे हुए समय विच पूरा कर सकीए तो यह सीगी जिहड़ी अज दी अपनी गत पाठ योजना। इसे तरीके नाल असीं इहनूं पूरा इहदा जो भी विशा वस्तु आ उह कंप्लीट विशे वस्तु नूं इहदा लैसन प्लान अगे बना सकते हाँ। अज का जिहड़ा साडा पाठ योजना से जिहड़े गत पाठ योजना से वो इत्थे ही कंप्लीट हो रही है हुण साडी आलमोस्ट असीं चार जिहड़ियां पाठ योजनावां ने पहले आपां व्याकरण लई कीती फिर आपां निबंध लई कीती फिर आपां कविता लई कीती ते अज आपां फिर एक गद पाठ योजना कीती कि एक जिहड़ा गद हुंदा साहित्य दा रूप हुंदा गा गद उहदे वास्ते आपां पाठ योजना हैगी आ जिहड़ी किवें बना सकदे हाँ ते आपां हुण किसी भी विशे नूं लै के चिट्ठी पत्र वास्ते बना सकदे हां इवें अज दा अपना।